नमस्कार। आज हमारे साथ राजस्थान भीलवाड़ा शहर के निवासी विनोद माली जी हैं, जो कि आज अच्छा हमारे अच्छा स्टूडियो में आए हैं। विनोद जी हमारे यूज़र हैं और काफ़ी समय से फैंटेसी खेल रहे हैं, और बहुत अच्छी टीम भी इन्होंने बनाई। इनकी काफ़ी अच्छी रैंक भी लगातार ये लाते रहे। तो विनोद जी, आज हम आपसे जानना चाहेंगे, आज हम हमारे स्टूडियो में आए, क्या आपको कैसा लगा? सर, फैंटेसी गेम क्या है? दिमाग का गेम है सर, बहुत अच्छा गेम है और आपके ऐप से बहुत अच्छा लगा सर खेलना। जी मजा नहीं कर रहा हूँ सर, हकीकत कह रहा हूँ, दिल से कह रहा हूँ कि इसको गेम को दिमाग से समझना है और ऐप को एनालाइज अगर अच्छे से करेंगे तो एक नंबर पे एक ना दिन आई जाओ। और जी बाकी सर ये तो है कि पहले मैं ऐप यूज नहीं करता था तो मैं 100% लॉस में जा रहा था, ढाई से 3-4 लाख हार चुका था। उसके बाद ऐप यूज करने लगा तो कुछ मेरे को एनालाइज लगा कि भाई ऐसे नहीं, ऐसा खेला जाता है इस खिलाड़ी को, ऐसे खिलाड़ी को, मतलब तो देखना पड़ता है प्लेयर कार्ड, पिच रिपोर्ट, सब कुछ देखना पड़ता है, एडवांस पिक्चर भी देखना पड़ता है। उसके बाद धीरे धीरे नॉलेज बढ़ा कि भी एनालिसिस ऐसे होता है। फिर सर आपसे भी बात की थी कितनी बार, आप मैं पूछा था कि सर कैसे खेलते हैं, कैसे क्या करते हैं, आपने बताया भी था, आपने गाइड किया था, बराबर बराबर नॉलेज में बैठा, आज अच्छी रैंक आने लगी सर। तो सर, आप वैसे किस तरह से टीम बनाते हैं, या क्या आप स्ट्रेटेजी रहती है आपकी टीम बनाने की? सर सबसे पहले तो पिच रिपोर्ट देखनी पड़ती है सर, जी पिच रिपोर्ट देख के फिर पता चलता है कि बैटिंग पिच है या बैलेंस पिच है या बॉलिंग पिच है। अब बहुत सी बार क्या होता है सर, बैलेंस पिच भी होता है तो अच्छा स्कोर बनता है जी कि जब कभी हाँ, टीम कभी का कभी होता है ना टीम, सर, कभी कोई जी टीम कमज़ोर होती है, कभी कोई टीम हार्ड होती है, जैसे ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, तक सबको लगता है इंडिया हार्ड है, ऑस्ट्रेलिया जीतती है सर, कभी इंडिया भी जीतती है, तो बैलेंस पिच के हिसाब से होता है, कभी कोई खिलाड़ी जल्दी आउट होता है, कभी लेट आउट होता है, ऐसे। अच्छा, तो अभी जैसे आपने कई बार हमारे YouTube चैनल पे भी आपने देखा होगा, लोग कमेंट करते हैं कि परफेक्ट लाइनअप फ्रॉड है, या तो आपने आज क्या महसूस किया? आज सर आपने हमारे ऑफिस की मैंने विजिट की, आपने देखा एक हमारी टीम काम करती है, तो आज आपको क्या लगा? सर मैंने देखा, हकीकत कह रहा हूँ सर, मैं कोई कुछ खेल मेरे को उससे कोई मतलब नहीं, मेरा जो दिल कह रहा है वो मैं जानता हूँ, मेरा दिल कह रहा है एक नंबर है और 5 स्टार के 7 स्टार भी मांगे तो मैं देने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि सर मेरा दिल कह रहा है ना, मैं दुनिया से कोई मतलब नहीं रखता हूँ, जो अपना मन कहता वही करना जरूरी होता है। अच्छा, तो विनोद जी आप क्या करते हैं, आप थोड़ा सा अपना प्रोफेशन के बारे में बताइए। सर मैं ऑटो चलाता हूँ सर, अच्छा, भिलवाड़ा जिला, राजस्थान भिलवाड़ा। में भिलवाड़ा जिला है, वहाँ से ऑटो चलाता हूँ। जी 17-18 किलोमीटर का रूट है हमारा, जी वो 10-10 5-5 रुपये इकट्ठे करने हुए, आप जानते हो ऑटो वाले की कैसे। जी लेकिन ड्रीम तो इलेवन से सपना था कि सर सक्सेस हो जाएगा अच्छा, और इसी ऐप से तो होगा, बाकी तो नहीं कर पाएंगे अच्छा, तो ये परफेक्ट लाइनअप की जानकारी कैसे मिली थी आपको? सर। मैं इंस्टाग्राम पे देख रहा था तो इंस्टाग्राम पे भाई ने 25 लाख रुपये जीते थे, तो उसकी कोशिश की थी मैं इसके नंबर लेने के लिए, नहीं मिले मेरे को नंबर, तो फिर मैंने एक बार इसको इंस्टॉल किया तो 7 दिन ये फ्री चला था, तो फिर मैंने 7 दिन में कुछ समझ में नहीं आया, तो 7 दिन के पूरे होने के बाद फिर डेट मार दिया, फिर 2-3 दिनों का और डेट देगा। ऐसे आपके शुक्रवार के दिन पाठशाला चलती थी पहले, जी हाँ, उस पाठशाला का इंतजार करता था कि 5 से 7 6 6 के बीच में आपकी पाठशाला चलती थी, उसका इंतजार करता था मैं। तो धीरे धीरे नॉलेज में बढ़ा कि नहीं आ रही है कुछ चीज़ है, तो फिर मैंने वापस डाउनलोड किया, फिर प्लान लिया मैंने 100, मतलब फर्स्ट में जो प्लान आया था 199 रुपये का वो लिया था मैंने, जी तो वो भी मेरे को मतलब नहीं समझ आया। फिर एक्सपर्ट प्लान लिया था 270 का, उसमें मेरे को 20 टीम जनरेट होकर निकलने के, एक 20 टीम लगा था सर, उसमें एक टीम में तो कुछ ना कुछ मतलब जैसे 200 500 1000 ऐसा समथिंग आने लगा, कभी कप्तान बैठा था, कभी वाइस कप्तान बैठा था, ऐसे कुछ आने लगा। तो धीरे धीरे एनालिस करता गया करता गया, आज इसी क्वेश्चन को कि मतलब चाहे आज आओ चाहे कल आओ 100% 1 करोड़ आएगा और इसी ऐप से आएगा, बाकी दूसरे से नहीं आएगा। और इतना अच्छा, विश्वास है कि परफेक्ट लाइन फर्जी कंपनी नहीं है, एक्चुअली कंपनी है और सपोर्ट करती है और सिखाती है कि भी इससे खेलो आप, किसी के कहने से, कोई कहते हैं ना टेलीग्राम पे कि मैं टीम देता हूँ उससे जीत जाओगे नहीं जीतोगे, वो आपसे पैसा हड़पेगा और जी आप कोई पैसा नहीं लेते हो, ये मेरे को पता है, मैं देखा हूँ आप यहाँ आके कि भाई क्या पैसे लेते हो, नहीं लेते, कुछ भी नहीं लेते हो। आपके मन में भी यहाँ आने का रीज़न क्या रहा? आपके मन में भी डाउट था कि हम ये कंपनी देख कर आए, विजिट करके आए, सर देखें कि मैंने फर्जी है, तो फर्जी तो नहीं है यार, सर फ्रॉड फर्जी तो तो नहीं? नहीं है सर, फर्जी कैसे होगा सर कि जब मैं आपसे 8-9 महीने से बात कर रहा हूँ, मेरे को जहाँ मतलब डाउन लगता है वहाँ खड़े होकर सपोर्ट करते हो कि नहीं भैया ऐसा नहीं ऐसा करो, तो कैसे फर्जी होगा सर, जी फुल अच्छा, सपोर्ट किया आपने काफ़ी मेरे को। लोग ये भी कमेंट करते हैं कि हमारी टीम हार रही है,
या काफ़ी लॉस हो रहा है, तो फिर आप उन्हें क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? मैं सजेस्ट ये करना चाहूँगा सर कि सर एनालिस बराबर करोगे, एनालिस ठंडे दिमाग से किया जाता है, आपके किसी के कहने से किसी के करने से कोई बताया भी देगा तो आप भूल जाओगे, लिख के तसल्ली से करोगे आप तो ही जीत पाओगे। और परफेक्ट लाइन में 22 खिलाड़ियों का इतना अच्छा एनालिस बताते हैं कि इसका कोई हद नहीं, 101% से बताते हैं जी। उसका दिमाग चाहिए कि आपका कॉम्बिनेशन सही होना चाहिए, और कॉम्बिनेशन भी बना के देता है, आप जनरेट करते हो टीम को, कॉम्बिनेशन भी बना के देता है, उसमें कोई कमी वैसी नहीं आपका, मतलब वो स्किल कहते हैं ना कुछ समझने का, वो समझ अपनी नहीं है, समझेगा तब ही सीखेगा जी। तो जो नए यूज़र हैं या जिनको अभी ज़्यादा टीम बनाना नहीं आती है, जो अच्छी टीम नहीं बना पाते हैं, आप उन्हें क्या एक सलाह देंगे? सर उन्हें एक सलाह यही दूंगा सर, मैं दो ऑप्शन है सर, या तो खाई में खुद गिर जाओ या कुछ सीख के खुद खुद खाई को पार कर जाओ। मेहनत करोगे तो सीखोगे सर, अब आप एनालाइज करोगे नहीं, डायरेक्ट टीम जनरेट करोगे तो थोड़ी जीतेगी सर, एनालाइज करना पड़ेगा सर। और इसमें 101% इतना अच्छा है कि चार ऑप्शन से चारों ऑप्शन बहुत बड़े लगे मेरे को, ऐसा कुछ ही नहीं है कि मेरे, बहुत कठिन नहीं है, बहुत ईजी है, अगर एक बार स्किल सीख गए तो कोई दिक्कत नहीं जी। एनालाइज करना अगर बराबर सीख गए तो कोई दिक्कत नहीं है, करीबन 8-9 महीने से 9 खिलाड़ी 10 खिलाड़ी डीटी आ रहे हैं बराबर जी, और आ ही रहा है सबके साथ। बहुत बढ़िया। तो विनोद जी, आप यहाँ आए, आपने हमारा ऑफिस भी विजिट किया, आपने हमारी कार्य प्रणाली भी देखी, आपने प्रोसेस भी देखा किस तरह से काम होता है, कैसा लगा आपको? तो बहुत अच्छा लगा सर, सर गरीबों की मदद कर रहे हो सर आप, तो सबसे अच्छी बात तो ये है। और जो कोई खाई में गिर रहा है उसको बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हो आप, खाई में धक्का नहीं दे रहे हो, बहुत से टेलीग्राम वाले खाई में धक्का दे रहे डायरेक्ट, वो तो यही कहते हैं कि पैसा दो टीम बताते थे, टीम नहीं चलते सर उनकी, 100 दिन में से एक दिन वो 1500 जीत गया, लेकिन आप तो हर पॉइंट पर खड़े रहते हो कि ये नहीं ऐसा नहीं ऐसा होता है, ऐसे ये खिलाड़ी ऐसे नहीं चलेगा ऐसे चलता है। पर एनालाइज करने वाला आदमी कभी हार नहीं मानता, वो 100% जीतता है, वो लॉस में तो कभी आता ही नहीं है। ठीक है विनोद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप यहाँ आए और आपने हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद आपने मेरे को सपोर्ट किया, यहाँ तक बुलाया और मेरा सम्मान किया, बहुत बहुत सपोर्ट किया सर, इसलिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका जी। चलिए, थैंक यू।